सवाल उठाए कि हमारा कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ, हमारी नदियां आज तक साफ क्यों नहीं है, हमारी नदियों का ये जो उद्धार करने का प्रोग्राम है, नदी जोड़ने का प्रोग्राम है, ये टाइम बाउंड प्रोग्राम में क्यों नहीं पूरा होता है। छोटी सी बात मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, अमित जी आ रही हूँ, आ रही हूँ। शर्मा जी मेरे आदरणीय है, बोलिए। और दूसरी बात ये कि मैं अपनी तरफ से युवाओं का एक पक्ष रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस पूरे अभियान में युवाओं को बुरी तरीके से दरकिनार किया जाता है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, जैसे सोशल नदियों का, पानी का, बरसात का, अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो युवाओं को उससे दूर, मतलब ये सिर्फ कुर्ता पैजामा पहने हुए नेताओं का ही क्यों काम बन जाता है। मैं समझता हूँ आज अगर हमारे देश में एक ऊर्जावान प्रधानमंत्री है तो मैं समझता हूँ कि युवाओं की देन है। लेकिन एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जरूरी है युवा, जो आज का युवा है वो तो व्हाट्सएप और सोशल नेटवर्क से तो बाहर निकल ही नहीं। बिल्कुल, मैं इस पर आने वाली थी गांधी जी, बिल्कुल मैं इस पर आने वाली थी, क्योंकि अगर वो गंगा स्नान में भी जाते हैं, कहीं नदी पर भी जाते हैं, तो पहले सेल्फी लेते हैं और लगता है कि वहीं तक काम खत्म हो गया। जब तक युवाओं युवा बस प्रदर्शन में आजकल ज्यादा विश्वास रखते हैं। अमीर हाशमी जी इसमें इसमें और कहना चाहूंगा पहले कि जितने दिन जो अभियान चलाए जाते हैं मैं किसी पार्टी विशेष का फैन नहीं हूँ। मेरा पक्ष भाई, मैं तो फिल्मकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मेरे तो कांग्रेस में भी अच्छे से अच्छे मित्र हैं, बीजेपी में भी है। हम निष्कर्ष बात नहीं करें, हमें गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल, गंभीरता यह है कि क्या सोशल नेटवर्क पर गंभीरता से बात कर सकते हैं। तमाम अभियानों पर इसकी बात की जाए, तमाम अभियान सिर्फ सोशल नेटवर्क पर ही जाते हैं, मतलब काम कम और हल्ला बहुत ज्यादा होता है। तो क्या सोशल नेटवर्क का ही ये अभियान सिर्फ रह जाएंगे? सोशल नेटवर्क के जरिए ही कई अभियान के। मैं एक छोटी सी बात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहना चाहता हूँ कि 1900 से पहले एक जवान लड़के को 1900 से पहले साउथ अफ्रीका की ट्रेन से बाहर निकाल फेंका गया था, और उस जवान लड़के ने इतना हल्ला बचाया, इतना अमीर हाशमी जी, हम प्रदेश तक ही सीमित रहे तो बेहतर होगा। हम यहीं पर सीमित रहे, हम दायरा बहुत बढ़ा रहे हैं अपने डिस्कशन का। खैर, आपके पास आऊंगे नारायण शर्मा जी। प्रदेश है ये पानी का, जी हाँ, ये भी कहना है कि हाई रेंज वाला स्टेट है ये, ये भी कहा जगी वासुदेव जी ने। हाई रेंज वाला जब हमारा स्टेट है, इसके संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, चलिए पेड़ लगाने की बात की है उन्होंने, इसके अलावा और क्या कुछ हो सकता था जो सरकार द्वारा नहीं किया गया है? पेड़ लगाना तो बहुत जरूरी है। वैसे हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा जंगल वाला प्रदेश है, 44% जंगल हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में है, जिसके कारण हैवी रेन होता है, तो पानी को आकर्षित करता है जंगल, तो पानी गिरता तो बहुत है लेकिन पानी का संरक्षण नहीं है। पानी का संरक्षण नहीं होने के कारण ये पानी बहकर चला जाता है और सही उपयोग नहीं होता है। इसके लिए नदियों में जो स्टार टैम, चेक टैम, एनीकट बीच बीच में अगर हम बनाते हैं तो उससे पानी रुकेगा और जल स्तर भी जो है ऊपर होगा अपने बाकी संसाधनों के लिए, पंपों के लिए, सिंचाई के लिए जो काम आएगा, जल स्तर ऊंचा होगा तो वो जरूरी है। हर नदी पर बीच बीच में 2 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में, 4 किलोमीटर में एक एक एनीकट, चेक डैम, इस तरीके का अगर कार्य योजना के साथ काम होगा तो पानी का संरक्षण ज्यादा होगा और पानी उपलब्ध होगा, जल स्तर ऊपर बढ़ेगा, तो उससे कृषि को बहुत लाभ होगा। मैं जी आपको कि इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जी। और वो प्रोजेक्ट आया फिर अगली सरकार तो वो प्रोजेक्ट जल को उसने चलाई, जबकि वो भी जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छी पहल थी। शर्मा जी जी, अमिता जी, मैं एक चीज अपनी रखना चाहता हूँ। देखिए, मेरे सम्मानी गुरु जी जैसे हैं शर्मा जी, इन्होंने जितनी भी बातें कही है नदी संरक्षण और जो जिस तरीके की सभी स्कीमें चल रही है, ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल तो ये है अमिता जी कि आज नदियों और पानी को रिलेटेड ये हो रहा है कि जो
की तरफ से फाइनल कमेंट, इन्होंने कहा कि कहीं यमुना जैसा हाल न हो जाए, मतलब आज की स्थिति ये हो गई है कि लोग यमुना का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन जल के ऊपर कुछ पंक्तियां हैं, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जल ही जीवन है, और तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो जल के लिए ही होगा, पानी के लिए ही होगा, या ऐसा बुद्धिजीवी कहते हैं। और देखिए अभी हाल में एक डिसीजन आया यूके के एक कोर्ट में, उस टाइप से एक कोर्ट में कि पानी का जो हक है वो आम जन जीवन के लिए है, तो इसमें बेटा क्यों जाए। और इसलिए वहां की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि इससे पानी की बिक्री नहीं होनी चाहिए, इसमें समान रूप से सभी का अधिकार होना चाहिए। लेकिन भारत इसी देश देख लीजिए कि यहाँ पे पानी की बिक्री होती है, धरने से होती है, शिवनाथ का बोतल आ गया, कई सारे बोतल आ गए आपका आराम से, तो ये स्थिति होती है। और ऐसे में हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि निजीकरण भी होता है नदियों का, और नदियों के निजीकरण की में वो फैक्ट्रियों को दे दिया जाता है, कई सारे यहाँ पे स्थिति है। और ऐसे में हम क्या इससे फोर्स फैस करने की जरूरत है कि नदियों के संरक्षण और नदियों में जल के संरक्षण को लेकर क्या किया जा सकता है, उस पर गंभीरता से बात करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। जी हाँ, तो जग्गी वासुदेव जी एक मुहिम चलाते हैं, उस मुहिम का नाम है 5 नदियों के जल संरक्षण के लिए। ये अब मुहिम चलाया जा रहा है, आपको बता दें कि ईशा फाउंडेशन और सरकार के बीच में एक MOU साइन किया गया है, और रिवर फॉर रैली मूवमेंट चलाते हैं जग्गी वासुदेव जी। और जग्गी वासुदेव जी ने ये पहल की है कि कई सारे नदियों के 5 नदियों के प्रदेश में 5 नदियों के किनारे किनारे करीब करोड़ों पेड़ लगाए जाए, जिससे जल संरक्षण हो सके। इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए साधारण।